أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صلى الله عليه وسلم. ये सलावात भी बोल मोहम्मद आले मोहम्मद बकसर सलावात अल्लाहुम्मा आपकी सलावात भी सबब फैजान हयात होती है। हयात और हुसैन, ये जाहिर है अनवान का, बातिन है तौहीद और हुसैन। जाहिर है हयात और हुसैन, बातिन है तौहीद और हुसैन। हमें जो सफ़र तय करना है वो सफ़र तौहीद है। हमें जो ज़िंदगी हासिल करनी है वो हयात तौहीदी है। हमें जो जस्तजू है उस ज़िंदगी की, जो हकीकी ज़िंदगी है, मजाजी नहीं, ज़ाहरी नहीं, हकीकी ज़िंदगी की तलाश, वो हमें मिलेगी दर हुसैन। क्यों दर हुसैन से मिलेगी? इसलिए कि हुसैन का रिश्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चंद जुमले अर्ज करने पे मजबूर हूँ क्योंकि बाज़ ज़हनों में शुकूक हैं, शुबहात हैं। आप हज़रात तवज्जो फरमाएं, मजलिस शुरू हो चुकी है। आप हज़रात मेरी आवाज़ की तरफ मुतवज्जे रहें, एक बुलंदतर सलावात मैं मजबूर हूँ कई जुमले अर्ज करूँ क्योंकि बाज़ ज़हनों में शुकूक हैं, शुबहात हैं, और जिन जहनों में भी शुकूक हों, शुबहात हों, सवालात हों, मैं उन्हें कभी तंज और तशनी का निशाना नहीं बनाता।
मैं समझता हूँ कि एक मसला शायद रोशन नहीं हुआ है, और कभी कभी मेरा लहजा तब तब हो जाता है जब ये महसूस होता है कि साहिल खुद समझना नहीं चाह रहा है। और मैं अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने कि कोई जुमला मैं इस मिंबर से आपकी वाह वाह के लिए नहीं कहता, ये अर्ज कर चुका हूँ। अब किसी को मेरी गुफ्तगू पर यकीन आए या ना आए, यकीन ना आना शख्स बे यकीन का मरज है, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ यकीन का ना होना, यकीन ना आना। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ, मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो ये जुमले भी अर्ज करता रहता हूँ बराबर के, आपने देखा होगा मैं कभी बेजा कोई दाद देता है तो मैं मना कर देता हूँ, तुम बात तो सुन लीजिए पहले। बात सुनने से पहले कौन सी दाद दे रहे हैं? बेजा कोई नारा लगाता है तो मना कर देता हूँ। हर सुखन मौका हर नुक्ता मकामे दार है, दुरूद का महल होता है, नारे का महल होता है, दाद का महल होता है, बेदाद का महल होता है। और ये तो एक अजब रस्म चल पड़ी है कि तालिब इल्मों की गुफ्तगू या उलमा की गुफ्तगू पर अवामुन्नास दाद देते हैं, ये अजीब रस्म चल पड़ी है। और ये रस्म शुआरा की बरकत से है, शुआरा की बरकत से ये रस्म। शायर शेर सुनाता है और जब तक वाह वाह सुभान अल्लाह ना हो उसे तस्कीन नहीं होती। हालांकि ये बात मैं अर्ज़ करूँ कि पहले जो हमारी शेर व सुखन की तहजीब थी उसमें भी ये होता था कि अगर कोई जेन्युइन शायर है, कोई ओरिजिनल पोएट है, कोई असली शायर है, कोई गालिब है, कोई मीर है, अगर किसी नाफहम ने वाह कर दी तो वो बयाज बंद कर देते थे, उठ के चले जाते थे। क्या अब आपका मुँह है कि मुझे दाद देंगे? और अगर मेरे शेर आपकी समझ में आने लगे तो भी कोई शायरी हुई? ये मिजाज था। और मैं कहता हूँ ये मिजाज रहना चाहिए। नामूस इल्म बहुत बुलंद है, नामूस अदब बहुत बुलंद है। इल्मी बातों में दाद व फरियाद की कोई गुंजाइश नहीं होती। अलबत्ता एक एहतमाल देकर मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ आपकी दाद। अब वो एहतमाल ये है, कहा जाता है कोई बात वजूद में आए तो 70 महमिल तलाश करो, तो भाई हो सकता है इस वजह से दुरुस्त हो, उस वजह से। इसमें जब मकाम मिंबर से गुफ्तगू होती है और किसी को रिज्क जान नसीब होता है तो ये दाद एक बेसाख्ता मकाम शुक्र में अदा होता। या नाम अली हम सुन लेते हैं, नाम हुसैन सुन लेते हैं, नाम मोहम्मद सुन लेते हैं, अब ये सुनने के बाद कोई खामोश रह नहीं सकता। ये एक अलग बहस। यहाँ पर ज़रा देखना चाहिए कि दाद कौन दे रहा है, किस जज्बे से दे रहा है, किसको दी जा रही है, किस वजह से दी जा रही है। कभी बच्चे कलाम पढ़ते हैं, मिसरे नामौजू होते हैं, तलफ़ुज़ गलत होता है, बच्चों के मौला की फजीलत में है तो आप कैसी दाद देते हैं? देते हैं नहीं देते? क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए देते हैं कि मौला की फजीलत में जिक्र हक हो रहा है, जिक्र औलियाए हक हो रहा है, तो चलो इसे दाद देकर इसकी हौसला अफजाई की जाए ताकि इस जिक्र से वाबस्ता रहे, ताकि इस जिक्र से वाबस्ता रहे। बच्चों की तरबियत का अंदाज यही होता है
बच्चा मिश्रा गलत पढ़ रहा है, आप कह रहे वाह बेटा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्यों? दाद सिर्फ उस एक लफ्ज अली की जो है जो उसमें मौजूद है, और दाद इस नियत से है, इस गरज से है, इस मकसद से है, इस इरादे से है, इस तालीमी इरादे से है, इस तरबियती नियत से है कि ये इस जिक्र से वाबस्ता रहे, इस नाम से वाबस्ता रहे। अगर ये वाबस्ता रहेगा तो आज ना मौजू तबाह है, कल यही मौजू तबाह हो जाएगा। ये लुत्फ हक है कि जो हमें ये फजाए मजलिस नसीब है। मैं अक्सर मजलिस और तहजीब मजलिस पे भी इशारे करता रहता हूँ, ये फजाए मजलिस, ये तहजीब मजलिस, ये तरतीब मजलिस, ये फर्श अज़ा का बिछाया जाना, ये मिंबर का सजाया जाना, ये अलमों का सजाया जाना, ये सोज़खानी का सिलसिला, ये ज़ाकरी, ये बयान, ये नौहे, ये मातम, ये तरतीब, हर चीज़ में एक हिकमत है, हर चीज़ एक अज़ीम हकीकत का इस्तआरा है। इन अलामतों में एक अज़ीम इस्लामी तहज़ीब सांस ले रही है, एक अजीम इस्लामी तहजीब, और यही इस्लामी तहजीब, यह आपकी दाद भी उसका एक हिस्सा है। बाद हजार को दाद बुरी ही लगती है, बिल्कुल दाद और बेदाद का अपना महल है, लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अपना एक जुमला याद दिला दूं आपको, बहुत सी जगहों पे कहा है, मुझे आपको राजी करने से ज्यादा नाराज करने का हुनर आता है। यहाँ पे मैं बड़े इत्मीनान से कहता हूँ, वो और खतीब होंगे जो सिर्फ आपको राजी करने के लिए मजलिसें पढ़ते हैं, मैं बड़े इत्मीनान से नाराज करता हूँ, मगर इस यकीन के साथ नाराज करता हूँ कि आज कोई नाराज होकर जाएगा तो कल मुझे याद करेगा कि बात तो सच्ची कही थी। जब बात समझ में आ जाएगी तो मेरे लहजे की तलखी मिठास में बदल जाएगी, जब बात समझ में आ जाएगी। अपना अपना ज़ौक़ है, अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी सतह है, खुदा की कसम हक से ज़्यादा शीरी कोई चीज़ नहीं है, मगर आम तौर पे ज़र्बुल मसल मशहूर क्या है, कहते हैं सच कड़वा होता है, अलहक मुर्रुन हक कड़वा होता है, इसके लिए कड़वा होता है, अबनाए जमा के लिए होगा कड़वा, अबनाए दुनिया के लिए कड़वा होगा, फरजंदान तौहीद के लिए हक हमेशा शीरी होता है। थ्योरेटिकली कोई कहता हो तो कहता हो, इस हकीकत को मलमूस और महसूस हकीकत के तौर पर कहां हम पाते हैं, सिर्फ मकतबे करबला में, जहां जवान बेटा बाप से कहता है, बाप पूछता है मौत तुम्हें कैसी लगती है, शहद से ज्यादा शहद, नौजवान बच्चे कहते हैं शहद से ज्यादा शहद। हक की लज्जत अगर किसी को हासिल करनी हो तो मजालिस सैयदुश्शुहदा में आए, अपने मिजाज की तरबियत अगर करनी हो, अपने ज़ौक की तरबियत करनी हो, अपने दिल की तरबियत करनी हो, अपने दिमाग की तरबियत करनी हो, फिक्र की तरबियत करनी हो, यहाँ फितरत पाकीज़ा बशरी पर, फितरत पाक इंसानी पर जो गर्द व गुबार शिर्क व कुफ्र व निफाक व बिदअत का छा जाता है, वो धुलता है अश्क अज़ा से। गुजरेगा किसी के मिजाज पे ये जुमला गरा तो गुजरे, अल्फाज की दुनिया में जो काम कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह करता है, कभी कभी वो एक कतरे अश्क अज़ा कर देता है। दिल के आईने पे जो जला होती है, गर्द साफ होती है, कुदूरत दूर होती है,
हक की तजल्ली होती है, हक हकीकत की नुमाइश होती है। ये अश्क आज़ाए सैयद शुहदा, और वही एक कतरा अश्क आज़ा, एक कतरा अश्क आज़ा एक बहिश्त नहीं तमाम बहिश्तों की कीमत है। कोई मुबालगा नहीं, सुना आपने, जो साहब भी सुन रहे हैं सुना आपने, कोई दाद दे रहा है मुझे इस जुमले में? और ये वो जुमले हैं जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान हुज्जत के तौर पर होंगे। परवरदिगार गवाह रहना, मैं तेरा पैगाम पहुंचा रहा हूं। जिक्र अली, जिक्र हुसैन, इससे हकीकत खत्म नबूवत जिंदा है, मकाम खत्म नबूवत महफूज है, और इससे हकीकत तौहीद मुतजल्ली। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जिंदगियों की मानवियत में बदल जाता है, वरना कलिमा कलिमा है, अल्फाज अल्फाज हैं। इसीलिए यह मौजू इंतखाब किया गया है, और वो भी कुरान मजीद की आयत करीमा सैयदुल आयात, आयतुल कुर्सी की रोशनी। आयतुल कुर्सी में बहुत से मकामात हैं, आयतुल कुर्सी में बहुत से अस्माए इलाहियां हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। खुद इसमें ज़ात भी है, इसमें मुतअद्दिद इसमें सफ़ात हैं, अस्माए हुस्ना हैं, और इसी बिल्ला पर इस आयत को सैयदुल आयात कहा गया है। लेकिन अभी चंद जुमले जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो अभी नहीं अर्ज़ कर सका हूँ। आज हजरात के जहनों में जो शुकूक और शुभात हैं वो ये हैं कि हम, आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़ज़ाइल बयान करने में गुलू से काम लेते हैं। अब मेरे पास बाज ज़राए से पैगाम आ रहे हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अल मुरसलीन कहते हैं खुतबे में, हमेशा मैं इमाम अल मुरसलीन कहता हूँ, यूं ही कहता हूँ, अकीदत में अकीदत है, हकीकत है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर, ये मिसरा जिस शायर का भी है, ज़बान मशीयत उसकी ज़बान से गोया है, हकीकत मुहम्मदिया बहुत बुलंद है। मैं दो तीन जुमलों में अर्ज़ कर दूँ, मुकाबरा नहीं है मेरे मिजाज में, मैं अपनी राय पर बेजा इसरार नहीं करता जब तक कि इत्मीनान ना हो जाए। इस वक्त तक कुरान मजीद की कसम, कुरान मजीद के तमाम आयात की कसम, सूरह मुबारक बकरा की उन आयतों की कसम जिसमें मलाइका का तस्किरा है, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तस्किरा है, मैं ये अर्ज़ कर दूँ, ये बहस बहुत पुरानी है कि मलाइका अफजल हैं या अंबिया, बहुत पुरानी है। इब्ने नौबख्त से लेकर मुहक्किक तूसी तक तमाम बड़े मुफक्किरीन इस्लाम और उलमाए इल्म कलाम ने तफसील से बहसें की हैं, लेकिन चार मकामात पर यह बहस है। पहली बहस ये है कि नबी, कोई भी नबी अपनी पूरी उम्मत में सबसे अफजल होता है या नहीं। मेरा ख्याल है ज़ाहिरन इसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं होगा कि हर नबी अपनी उम्मत में सबसे अफजल होता है। अब अगर इसमें भी जाए कलाम हो तो फिर कभी और बहस होगी, अभी आगे बढ़ने देंगे कि हर नबी अपनी उम्मत में सबसे अफजल होता है।
दूसरी बहस यह है कि खुद अंबिया के दरमियान एक पर दूसरे को अफजलियत होती है। कुरान मजीद की आयतें एक से ज़्यादा हैं, कम से कम दो आयतें तो बहुत वाज़ेह हैं, जिसमें कहा गया तिल कर रसूल फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है। अल्लाह सुबहानहु व तआला खुद फरमा रहा है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। जब ऐलान हो गया कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है तो ये सवाल खुद ब खुद जहन में आएगा कि इसमें सबसे अफजल कौन है। इस सवाल का जहन में आना नागुजीर है। जब कुरान कह रहा है हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, अकल क्या कहती है कि जो सबसे अफजल हो उसकी पैरवी करो। अकल क्या कहती है कि जो सबसे अफजल हो उसी को सबके बाद में भेजा जाए। अकल क्या कहती है जो सबसे अफजल हो उसी को इमाम बनाया जाए। देखिए अकल यही कहती है, उम्मत जो भी कहती हो। कहीं मजमा हो उलमा और फुज़ला का, और पेश नमाज की नमाज का वक्त आ जाए, सबसे आगे किसे पढ़ाया जाएगा? किसी को भी पढ़ा देंगे। जो उनमें सबसे अफजल होगा उसे आगे पढ़ाया जाएगा। अगर सब के सब मरीज नहीं हैं तो मरीज का समझ गए ना, कौन सा मरज? दिल का मरज। अगर दिल का मरज सबको लाहिक नहीं, कौन से दिल का मरज? कौन से दिल का मरज? कौन सा मरज? अगर इंसान बेजा खुदी में मुब्तला नहीं है, खुद बीनी में मुब्तला नहीं है, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं है, जहले मुरक्कब का शिकार नहीं है, तो हर पढ़ा लिखा कदम आगे बढ़ाने से पहले सोचता है कि मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है। अगर वाकई कोई पढ़ा लिखा है तो उसके मिजाज में ये होता है। अगर वाकई कोई पढ़ा लिखा है, अगर उसके खमीर में इल्म गुंध गया है, अगर मिजाज इल्मी है, अगर सिर्फ कासे सर में कुछ इल्मी इस्तिलाहें खनक रही हैं वो बात अलग है। जैसे फकीर के कशकोल में भीख के सिक्के खनकते हैं वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर मिजाज में इल्म गुंधा हुआ है तो वो अपने पीछे की भीड़ को नहीं देखता, अपने आगे के रहनुमा को देखता है। और इसीलिए मैं अपने साथी दोस्तों से अर्ज किया करता हूँ कि जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो मुसल्ले पर तो ये मत सोचो कि पीछे कौन कौन खड़ा है, ये सोचो तुम किसके सामने खड़े हो। जब तक ये ख्याल रहेगा पीछे हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाला मजमा कितना है, मरीज हो जाओगे, गुरूर में मुब्तला रहोगे, तकब्बुर में मुब्तला रहोगे। जब ये सोचोगे हम किसके सामने खड़े हैं तो शुऊर बंदगी जागेगा। किसके सामने खड़े हैं, किससे गुफ्तगू करनी है? ये सब लोग तो पीछे हैं, हमें इन्होंने अपना नुमाइंदा बना दिया, किसके सामने? अरे मामूली बात है ये नुमाइंदगी करना, इन सब की जिम्मेदारी लेना कोई मामूली बात है? ये कमजोर कानों पे किस किस की जिम्मेदारी ली जाए और किसके सामने? कदम लरसते हैं, कदम लरसते हैं। इसीलिए नमाज पढ़ाने के लिए यूं ही कदम नहीं आगे बढ़ जाते हर एक के,
उसी को आगे बढ़ना चाहिए जिसे हक बढ़ाए। यही अदब मलहूज खातिर था कि जब शबे मेराज तमाम अंबिया जमा थे बैतुल मक़दिस में, उस वक्त पैगंबर वहां खड़े हुए थे, जनाब इब्राहिम है, जनाब मूसा है, जनाब ईसा है, सब हैं, आदम से लेकर खातम तक सब मौजूद हैं। आदम आगे नहीं बढ़ गए खुद से, नूह आगे नहीं बढ़ गए खुद से, पैगंबर खातम आगे नहीं बढ़ गए खुद से, इंतजार रहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल ने पैगंबर से कहा बिस्मिल्लाह नमाज आपको पढ़ानी है। हक ने, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तमाम अंबिया की इमामत मुहम्मद के सुपुर्द कर दी। सलावत पढ़े मुहम्मद वाले, इसलिए वह इमाम उल मुरसलीन। हर नबी अपनी उम्मत में तो सबसे अव्वल होता ही है, नबियों के झुरमुट में एक दूसरे पर फजीलत रखता है, लेकिन उनमें सबसे अव्वल कौन है? इस पर एक दो दलीलें नहीं, आप कहिएगा ये रिवायत है। कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला रोज़ आखिरत हर उम्मत को उसके गवाह और शहीद के साथ बुलाएगा, और ए मुस्तफ़ा तुम उन सब गवाहों के गवाह होगे। जिस आयत की बिना पे पैगंबर फरमाते थे कि रोज़ आखिरत आदम व मन दूनहू, आदम उनके अलावा सब के सब तहत लिवाई वो मेरे परचम के नीचे होंगे। ये हमने खुद से नहीं गढ़ लिया है कि बाद अज़ बुजुर्ग खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर हजरत खातम का मकाम मर्तबा। कुरान मजीद की रोशनी में और अफा अपनी किताबों में अपने खास उसलूब में अपनी खास इस्तिलाहों में जो फरमाते हैं हकीकत मुहम्मदिया। कभी जिंदगी ने वफा की मौका मिला तो सिर्फ लफ्ज़ हकीकत मुहम्मदिया पे गुफ्तगू होगी, कि इस वक्त सिर्फ हवाला देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग तो वसी रसूल के फ़ज़ाइल बयान करने का हक अदा नहीं कर पाते, रसूल के फ़ज़ाइल क्या बयान करें, कहाँ हक अदा हो पाता है, कहाँ हक अदा हो पाता है। हज़रत अली के फ़ज़ाइल पढ़ने का हक अदा हो पाता है। मेरी तो सारी तकरीरें तमहीद में गुजर जाती हैं कि कोई एक जुमला फजीलत अली का कहने के लायक हमारी तकरीर हो जाए, कि ज़हन वहाँ तक पहुँच जाए कि हम डर कर सकें फ़ज़ाइल को। लेकिन तारीखी वाक़यात सबको याद हैं, खैबर खंदक सबको याद हैं, कितनी बार आप सुन चुके हैं। अली अलैहिस्सलाम को रूह इल्मी के साथ दर्द कीजिए, कभी कभी एक जुमला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का समझ में आ जाए तो मकाम शुक्र है। जुमला दहाने मुबारक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से निकले हुए जुमले हम चाहते अभी अली को नहीं समझ सके तो मोहम्मद को क्या समझेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल जहाँ तक हमारी नज़र गई है, हमने कोशिश की, तलाश की, तहकीक की, असातिज़ा से पढ़ा पूछा, बैठ के खुद ही तय नहीं कर लिया।
और हर तरह से असातिज़ा से भी पढ़ा पूछा, और जब इबारतें और बातें सुननी समझनी पढ़ ली तो फिर हमने रात की तारीकी में सहर के वक्त मुसल्ला बिछा के कहा, परवरदिगार तू हमारे कल्ब पे हकीकत मुंतशिफ कर, तू हिदायत फरमा, हक क्या है सच क्या है। इन तमाम तजर्बों और रियाजतों के बाद अर्ज कर रहा हूँ, हकीकत मुहम्मदिया बादस खुदा बुजुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई मरतबा है वजूद में तो वो हकीकत मुहम्मदिया का मरतबा। और इस एतबार से वो बहस हमारे लिए कोई अहम बहस नहीं है कि मलाइका अफजल है या नबी, इख्तिलाफी है। तकरीबन तमाम उम्मत के उलमा इस पे मुत्तफिक हैं कि तमाम अंबिया अपनी उम्मत में सबसे अफजल होते हैं। अंबिया आपस में एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं। तमाम अंबिया में फजीलत हमारे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अब ये कि अंबिया बशमूल हजरत खादम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका पर फजीलत रखते हैं या नहीं, ये अलग बहस। अब उसमें एक बहस और है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका में शामिल हैं या नहीं, ये भी एक बहस कायम कर दी गई। इन तमाम मबाहिस पर कभी मौका हुआ तो सेमिनार होगा ताकि मैं मकाला पढ़ूँ और जी खोल के आप सवालात करें और हम कुरान और हदीस और मंतिक और फ़लसफ़े और कलाम और इरफान के हवालों से जवाब दें। लेकिन ये याद रखिए, एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, तमाम आयात कुरानी सामने रखिए, सिर्फ एक दो आयतों को सामने रख कर बात नहीं बनेगी। मकाम आदम अलैहिस्सलाम इतना बुलंद है, अगर मलाइका का सजदा समझ में आ जाए तो मकाम आदमी समझ में आ जाए। तमाम मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ये किसी शायर ने नकल किया है, किसी अदीब का अफसाना है, किसी खतीब की सुखन गुस्तराना बातें हैं, कुरान की आयत है ना। सजदा किया वो भी किसके हुक्म से, खुद से सजदा कर लिया, मलाइका तो खुद से कुछ करते ही नहीं। मलाइका खुद से कुछ नहीं करते, ये हक भी अल्लाह ने आदम को अता किया है। तवज्जो रखिएगा जो जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये हक ये इख्तियार आदम और बनी आदम को अता किया गया कि तुम खुद से भी कुछ करके दिखाओ। इसमें भी फजीलत का पहलू है। तमाम मलाइका ने आदम को सजदा किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया। अच्छा, मैं ऐसी रिवायतें कम पढ़ता हूँ, मगर कम इसलिए नहीं पढ़ता कि खुदा ना खास्ता मुझे बावर नहीं है, इसलिए कि लोगों में सुनने की ताब नहीं है, तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। सुन लीजिए रिवायत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हुजूर तशरीफ फरमाए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमाए, हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आ गए, जिब्राईल अदब व एहतराम से खड़े हो गए। हुजूर ने कहा, जिब्राईल इनका अदब और एहतराम करते हो, का एक शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम क्यों ना करे। रिवायत है, रिवायत, इस रिवायत की ताईद में आयत है या नहीं, वो आयत तन्हा काफी है जिसमें ये बयान है हक सुबहानहू व तआला का। क्या बयान है, अल्लाह ने बराह रास आदम को तालीम फरमाया,
अल्लाह मुअल्लिम आदम व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। किसने तालीम किया? फाइल कौन है? अल्लाह। व अल्लम अल्लम का फाइल कौन है? अल्लाह सुबहाना व तआला। व अल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा तालीम फरमाए, तालीम फरमाए। और फिर आदम को हुक्म दिया कि तुम मलाइका को बाखबर करो। अल्लिमहुम नहीं कहा, अम्बेहुम कहा। समझो रहे, अल्लिमहुम नहीं कहा, अम्बेहुम। अल्लिमहुम और अम्बेहुम में बड़ा फर्क है। इन्हें ये वाकफियत दो, इन्हें इत्तला दो, इन्हें बताओ। तवज्जो है, अल्लाह ने खुद मलाइका को नहीं बताया, मलाइका को आदम को हुक्म दिया कि तुम बताओ। आदम को खुद तालीम किया, मलाइका शागिर्द आदम। अब भी अगर कुरान के इस वाज़ह बयान पर कोई शागिर्द को उस्ताद से अफजल माने, इल्म आदम हमेशा तज़किरा होता है। इल्म आदम क्यों? इल्म आदम का तज़किरा होता है। आदम को हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला ने बराह रास्त तालीम आदम अस्मा कुल्लहा। और उसके बाद फरिश्तों से पूछा, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम का अम्बेहुम बे अस्मा है, अब इन्हें तालीम दो, अब इन्हें तालीम नहीं दो, अम्बेहुम इम्बा बाखबर करो। अब मौजू से बिल्कुल गुफ्तगू बज़ाहिर दूर हो गई है, लेकिन ये मसला चूँकि पूछा गया है बार बार, इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ। तालीम और इम्बा में क्या फ़र्क है, फिर कहीं अर्ज़ करूँगा। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह रुतबा हासिल है, तो मुस्तफ़ा तो फ़ख्र आदम, अली अलैहिस्सलाम तो नफ़्स से मुस्तफ़ा हैं। अली अलैहिस्सलाम नफ़्स से मुस्तफ़ा हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जो कुछ मैंने कहा, इससे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की या किसी मलाइका की कोई नऊज़ु बिल्लाह दुश्मनी ज़ाहिर होती है? कोई उनकी मनकसद है, फजीलत में कमी है? बड़े उस्ताद का शागिर्द होना भी फजीलत की बात है। बड़े उस्ताद का शागिर्द होना भी फजीलत की बात है। साल गुज़िश्ता मैंने एक जुमला कह दिया था, अब वो जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, और हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला को गवाह करके अर्ज़ कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ जुमला। मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत जिब्राइल की ज़बान से क़ुरान का सुनना पैगंबर के लिए शरफ़ की बात नहीं, फ़ज़ीलत की बात नहीं। हज़रत जिब्राइल के लिए शरफ़ और फ़ज़ीलत की बात है कि वो मोहम्मद को कुरान सुनाएं। क्या इस जुमले से जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी ज़ाहिर हो रही है? उनकी मनकसद है? नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, कोई मनपसंद है हज़रत जिब्राइल की? हज़रत जिब्राइल का अपना मकाम है, अपना मर्तबा है, अमीन वही इलाही है, अमीन वही है, कुरान नाजिल किया है उन्होंने, वो खुद लेके आए हैं कुरान मजीद, लेकिन उनका अपना मर्तबा है मुस्तफ़ा का अपना मर्तबा, जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
خدمت گزاری ملائکہ کی فضیلت ہے, فضیلت ہے, فضیلت. اگر میں اس کے برعکس کہوں تو جبرائیل مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. مصطفیٰ, مصطفیٰ کا گھرانہ. ان کی شفاعت کے محتاج ہیں فرشتے. انسانوں کی بات تو الگ ہے, فرشتے ان کی شفاعت کے محتاج ہیں. محتاج وہ سب ضعیف روایتیں نہیں ہیں, ہمارے سامنے کوئی کہہ کے نہ نکل جائے ضعیف روایتیں. فطرس کا آنا, دردائیل کا آنا, فرشتوں کا آنا, گہوارے حسین سے پروبال کو مس کرنا, میں کم پڑھتا ہوں یہ روایتیں, مجھے معلوم ہے کم پڑھتا ہوں. میں اسی لیے کم پڑھتا ہوں کہ بعض حضرات کو برداشت نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے غلو کر رہے ہیں, دیکھیے غلو کر رہے ہیں. کوئی غلو نہیں ہے, یہ مقام اہل بیت بہت بلند ہے, مقام مصطفیٰ بہت بلند ہے, حقیقت محمدیہ کچھ اور ہے. اگر حضرت حق سبحانہ وتعالی کے صفات ہم سمجھ سکتے ہیں تو صرف اور صرف انہی وسائل و وسائل سے. بے شک چنانچہ حیات بھی ایک صفت ہے حق کی, صفت ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے ان کو دیکھ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہے الحی. کون اس کے الحی ہونے کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, درک کر سکتا ہے, لمس کر سکتا ہے, کون محسوس کر سکتا ہے, کون؟ یہ احساس و ادراک و شعور و عرفان و وجدان کے جتنے بھی مراتب ہیں, کسی حقیقت کو منکشف کرنے, ڈسکور کرنے کے جتنے مراتب ہیں. سب سے پہلا مرتبہ احساس, یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے. پھر شعور و ادراک کے اور مراتب ہیں, وجدان حقیقی تک پہنچنا بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہے. وجدان حقیقت یعنی حقیقت کو پا لینا. ابھی تو کل صرف میں نے بحث شروع کی ہے. بغیر ان سنگین علمی مباحث کو حل کیے ہوئے حقائق اور فضائل سمجھ میں نہیں آ سکتے. سب سے پہلے یہی مسئلہ سوچ لیجئے کہ علم کی تعریف کیا ہے. کل حیات کی تعریف کا سوال میں نے قائم کیا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ علم کلام میں حیات کی تعریف یہ کہ حیات وہ حقیقت ہے کہ جس میں علم اور ادراک, علم اور قدرت, ادراک اور قدرت, شعور اور قدرت, یہ خصوصیات ہوں. اب علم کیا ہے, قدرت کیا ہے, اور جب علم اور قدرت دونوں ضروری حیات کے لیے تو حیات ایک بسیط حقیقت ہے یا مرکب؟ طالب علمانہ سوالات ہیں, ابھی بعد میں حل ہوں گے کیا ہوں گے. اور علم جسے دنیا کہتی ہے, علم ڈکشنریز میں جو علم کی میننگ ہے, فلسفے کی کتابوں میں جو علم کی تعریف ہے, اپسٹیمولوجی کی کتابوں میں جو علم کی تعریف کی گئی, عام طور پر ہمارے مدارس و مکاتب میں جو علم کی تعریف کہتے ہیں کرتے ہیں کہ کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا, یہ گویا علم حصولی کی تعریف ہے. بات جب آگے بڑھے گی تو یہ سوال ہوگا کہ علم حصولی کو ہم علم کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں. اصل علم حصول کا نام نہیں, علم حضور کا نام ہے. حقیقت علم میں حضور شامل ہے, شامل نہیں ہے, حضور ہی علم ہے. علم کامل, علم حقیقی, حصول نہیں حضور ہے.
میں مثال دے دوں بچوں کے لیے, اب حصول و حضور, اب یہ اصطلاحیں اتنی دور تک لوگ تشریف فرمائیں اور سماعت فرمائیں, ظاہر فلسفے کی اصطلاح ہے, اپیسٹیمولوجی کی اصطلاح ہے, سب کے لیے آسان نہیں ہوگی. ڈکشنری میں یا عام زبان میں حصول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا حاصل ہونا. حضور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حاضر ہونا. آپ کو کوئی چیز لا کے دے دی جائے تو آپ کو حاصل ہو گئی, آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور خود اس چیز کو حاصل کر لیں. حاضر ہوں ناظر ہوں, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی مثال ہے تقریب ذہن کے لیے. اب علم جو ہے ہر ہر شے کی تصویر حاصل ہو جائے ذہن میں, تو تصویر تصویر ہوتی ہے, حقیقت شے حقیقت شے, تصویر حاصل ہو جائے ذہن میں منطبع ہو جائے. اور ایک یہ کہ وہ شے آپ کے سامنے ایسی ہو کہ حاضر و ناظر کوئی پردہ نہ ہو, کوئی دوئی نہ ہو. اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ آپ اپنا انکار کر سکتے ہیں, ہم کہیں آپ ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے میں نہیں ہوں. آپ ہیں, کیسے معلوم کہ ہیں؟ کس استاد نے کہا کہ آپ ہیں؟ کس کتاب نے لکھا ہے کہ آپ ہیں؟ یہ سب ویلڈ کوشچنز ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے آپ ہیں؟ غالب نے تو کہہ دیا تھا ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو شاعر کی بات مانے یا حکیم کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے, کس ذریعے سے؟ واسطہ ہے کوئی درمیان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا جب علم ہوتا ہے تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اپنی ذات کا علم جب آپ کو ہوتا ہے تو کوئی واسطہ درکار نہیں ہے. آپ کو اپنی ذات کا علم بلا واسطہ ہے, یعنی بلا فصل ہے. آپ کو اپنی ذات کا علم بلا فصل ہے, آپ کو اپنی ذات کا علم بلا واسطہ ہے. آپ کی اور آپ کی ذات کے درمیان ثنویت نہیں ہے, دوئی نہیں ہے, مغایرت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنے غیر نہیں ہیں, آپ آپ ہیں. توجہ ہے؟ آپ کو اپنی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بتائیے میں ہوں کہ نہیں ہوں. پوچھیں گے تو ہاسپٹل کے آگے ایک جگہ اور ہوتی ہے, وہاں پہنچانا ہے. وہاں پہنچا دیا جائے گا. آپ کو آپ کا علم ہے, علم ہے, علم ہے. کیوں؟ کون سا علم ہے؟ حضوری علم ہے. حضوری علم ہے, کوئی فصل نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کی اور آپ کی ذات کے درمیان اگر کوئی حجاب ہو سکتا ہے تو وہ بھی جہل کا حجاب, نادانی کا حجاب, غفلت کا حجاب, اور کبھی کبھی غلط معلومات کا حجاب. بے شک. لیکن اپنی ذات سے ہٹ کر کسی دوسرے کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں, جیسا آپ کو اپنی ذات کا علم ہے ایسا ہی دوسرے کا علم ہے؟ نہیں ہے نا. دوسرے کا علم جب بھی ہوگا تو وہ علم علم حصولی ہوگا. اپنا علم جب ہوگا تو علم علم حضوری ہوگا. توجہ ہے؟ جتنی قربت ہوگی اتنا علم حضوری ہوگا, جتنی دوری ہوگی اتنا ہی علم حصولی ہوگا. یہ اتنا ہی حصولی ہوگا
बाद फलासफा कहेंगे उतना ही हसूली क्या होता है, मैं कहूंगा हाँ उतना इस कलमे की जरूरत है, यानी वसायत बढ़ते चले जाएंगे, वसायत बढ़ते चले जाएंगे, फासला बढ़ता चला जाएगा, फसल बढ़ता चला जाएगा। अब बताओ हम अल्लाह सुभानहु व तआला का इल्म किससे हासिल करें? सिर्फ एक आवाज कायनात में गूंजती है जो मकाम शुक्र में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही। तारीफ है उस परवरदिगार की, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने अपनी जात को अपनी ही जात के जरिए से पहचानवाया। शुक्र है उसका, हमद है उसकी, तारीफ है उसकी जिसने अपनी जात को अपनी ही जात के जरिए से पहचानवाया। ये कौन कह रहा है? सिर्फ एक है इसका कायल जिसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। उसने ये कहा कि शुक्र है उसका, हम्द है उसकी, तारीफ है उसकी, ये जिसने अपनी ज़ात को अपनी ही ज़ात के ज़रिए से पहचानवाया, यानी बिला फसल पहचानवाया, बिला वास्ता पहचानवाया है ना। तो जब ज़ात को ये पहचानते हैं तो फिर इन्हीं के ज़रिए से सिफात उसके सामने आती है। वो हई है तो कैसा हई है, वो आलिम है तो कैसा आलिम है, वो कादिर है तो कैसा कादिर है, इन्हीं के वास्ते से पहचानेंगे। और हमारे पास कोई वास्ता और जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। इन्हें छोड़कर जिसने हजरत हक को पहचानना चाहा गुमराह हो गया, इन्हें छोड़कर जिसने तौहीद हासिल करना चाही गुमराह हो गया, बिदअतों में गिरफ्तार हो गया, कहीं न कहीं कुफ्र या शिर्क में मुब्तला हो गया। खालिस तौहीद अगर कहीं मिली तो मक्तब मुस्तफा में, मक्तब मुर्तजा में, मक्तब हुसैन इब्न अली में। इसीलिए मजलिसें बरपा हैं और रहेंगी, ये मजलिसें हमारे आपके अहतमाम से थोड़ी कायम है। जो लोग अहतमाम करते हैं खुदा उनकी जिंदगियों में बरकत अता करता है। जहाँ जहाँ आज़ादार हैं, जो जो अहतमाम करते हैं, बुजुर्ग खुद जवान बच्चे ख़वातीन, परवरदिगार सबकी उम्रों में बरकत अता करता है। आप हज़रात भी दुआ फरमाएंगे। आजकल हमारे मेज़बान और इस अज़ा खाने के मुहतमम जनाब सैयद नजमुल हसन जाफरी साहब कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बीमार हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत व आफियत के साथ खिदमत आज़ाए सैयद शहदा के लिए उम्र नूह अता फरमाए, और तमाम अज़ादारों के लिए मेरी दुआ, आप उनके लिए भी दुआ फरमाएं, सबके लिए दुआ फरमाएं। आप सब सआदतें हासिल कर रहे हैं खिदमत आज़ा की, मगर आपके अहतमाम से थोड़ी कायम है ये। आप तो शुक्र अदा कीजिए कि आपके हाथ भी फर्श अज़ा बिछाने में लग जाते हैं, शुक्र अदा कीजिए। जब सरकार सैयद शहदा का फर्श बिछाने की सआदत मिल जाए तो नमाज शुक्राना पढ़िए, सजदा शुक्र कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जी चाहता था कि देर तक पढ़ूं मजलिस, मगर आप गिरिया फरमा रहे हैं। अभी तो तमीज के मंजिल में थी मजलिस,
मैं सिर्फ ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ, ये मजलिसें आपके अहतमाम से कायम नहीं है, ये हजरत हक के अहतमाम से। पहले भी कहा है मैंने, फिर कह रहा हूँ कि ये मजलिसें, ये फर्श अदा, ये तहजीब है मजलिस। देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी तहजीबें कायम हुई हैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे हजरात रशीद फरमाएं। तहजीब, तहजीब शनासी की गुफ्तगू मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है, और इस मौजू पर कल्चर स्टडी का मौजू नया मौजू है निस्बतन वेस्ट में भी। दुनिया की तहजीबों पे गुफ्तगू होती रहती है, किताबें लिखी जाती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अरबाब अदब से, अहले तारीख से, जो लोग सोशल साइंसेज में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे मेरी गुजारिश है वो ज़रा गौर तो करें। जहाँ तक भी तारीख, तारीख़ बशरी, तारीख़ इंसानी का सुराग मिलता है, जहाँ तक हयात दुनियावी का सुराग मिलता है, हयात दुनियावी का सुराग। अब हयात की बहस चलेगी, आज ये दूसरे मबाहिस आ गए थे, चलती रहेगी गुफ्तगू, लेकिन हयात दुनियावी की बहस जहाँ तक भी सुराग मिले हयात दुनियावी का, वहाँ देखिए बहुत सी तहजीबें पैदा हुई, परवान चढ़ी, मिट गईं। दुनिया की अक्सर तहजीबें किसी न किसी सियासी निज़ाम और मादी इख्तदार के साथ परवान चढ़ी, और जब वो सियासी निज़ाम और वो मादी इख्तदार ख़त्म हो गया, वो तहजीबें ख़त्म हो गईं, और बड़ी से बड़ी तहजीब, चाहे वो वादी नील की तहजीब हो, वादी सिंध की तहजीब हो, वादी दजला और फरात की तहजीब हो, यूनान की तहजीब हो, ईरान की तहजीब हो, हिंदुस्तान की तहजीब हो, कहीं की तहजीब हो, 2000-2500 बरस तक कोई तहजीब नहीं बाकी रही है, 200 बरस, 250 बरस, 300 बरस, बस उसके बाद तहजीब पे सवाल आ गया। वादी नील की तहजीब कितने बरस रही, वादी सिंध की तहजीब कितने बरस रही, आज उसके खंडरात मौजूद है ना, खंडरात ये लफ्ज उर्दू वाले इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, खंडर मौजूद है ना उसके, तहकीक होती है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और ये सब आप जाते हैं, कितने सौ बरस रही है तहजीब, किसी सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम, इक्तिसादी निज़ाम के साथ ये तहजीब परवान चढ़ी थी और उसी के साथ साथ ख़त्म हो गई। लेकिन दुनिया के नक्शे पर पिछले 1500 बरस में एक और तहजीब परवान चढ़ी है, और इस तहजीब की खसूसियत यह है कि दुनिया की तमाम सियासी ताकतें इसे मिटाती रही, ये परवान चढ़ती रही। हर फिरौन ने, वक्त ने इस तहजीब से टक्कर ली, वो खत्म हो गया और ये तहजीब आगे बढ़ती रही और बढ़ती जा रही है। आज भी ये तहजीब जिंदा है, और तहजीबें एक महदूद जोग्राफिये में जन्म लेती हैं और जेर जमीन दफन हो जाती हैं। ये तहजीब वो है कि जो एक वीराने से शुरू हुई और हर आबादी में चरावा करती चली जा रही है। तो ये आपके हाथों से नहीं है, ये जुमला इसी मिंबर से कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान का परचम कोई पाकिस्तान में लगा दे तो मैं जानू, पाकिस्तान का परचम हिंदुस्तान में जगा दे तो कोई जानू, किसी मुल्क का परचम किसी दूसरे मुल्क में नहीं लगाया जा सकता, मगर ये हुसैन का परचम है।
पर हर मुल्क में ये परचम बुलंद है। सआदतमंद है वो हाथ जो इस परचम को बोसा देते हैं। ये हक का परचम है, ये परचम तौहीद है, ये परचम हुसैनी, ये तहजीब हुसैनी है, ये एहतमाम हक से कायम है। क्यों? इसलिए कि इन मजलिसों में जिक्र हक होता है, तौहीदी मिजाज परवान चढ़ता है, शिर्क से लड़ने का जौहर पैदा होता है। शिर्क कुफ्र बिदअतें मिटती हैं नाम हुसैन से। अजीजो जवानों, ये जुमला याद रखना, शिर्क कुफ्र बिदअतें मिटती हैं जिक्र हुसैन से। जिक्र हुसैन के साय में बिदअतें परवान नहीं चढ़ती, जिक्र हुसैन के साथ कुफ्र और शिर्क बाकी नहीं रह सकता। कुफ्र मिटता है, शिर्क मिटता है, कटता है, तौहीद का रंग चढ़ता है जिक्र हुसैन से। बस गुफ्तगु खत्म हो गई। बहुत से मतालिब थे जहन में आज की मजलिस के लिए, कल इंशाल्लाह ये मजलिसें बरपा हैं और रहेंगी, हश्र तक कायम रहेगी ये आजाद। मेरे दो मिसरे याद रखिए, हाशिर तक कायम रहेगी ये आजाब, हाशिर में भी होगी एक मजलिस बपा। हाशिर में मजलिस होगी। आप यहाँ आजा खाने सजते हैं अपने हाथों से, आप इमाम की याद कायम करने के लिए किसी सफ़ेद कपड़े पे सुर्ख रंग के छींटे डाल देते हैं ताकि इमाम की मज़लूमियत याद आए। वहाँ अर्श इलाही के सामने जहरा हुसैन का खून आलू छोड़ता है। आश्र में भी होगी एक मजलिस बपा, आश्र में मसाइब जहरा बयान करेगी, आश्र में जहरा मसाइब बयान करना, आश्र तक की आज़ादारी का सिलसिला कायम रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आज दो मुहर्रम, बस मजलिस तो हो चुकी, दर्जन जुमले अर्ज कर दो मुहर्रम की मुनासिबत से। दो मुहर्रम को हजरत सैयद शुहदा का काफिला करबला पहुंचा। रिवायती उसलूब में बयान किया जाता है, कहा जाता है कि चलते चलते रहवार सैयद शुहदा रुक गया, चलते चलते इमाम का घोड़ा रुक गया। इमाम ने कई घोड़े बदले, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम? ये सवाल नादानी से नहीं है। उस इमाम को जिसने मदीने से चलने से पहले बीबी उम्मे सलमा को अपनी कत्लगाह दिखा दी, उसे इल्म है कि कौन सी जमीन है? इमाम जानता मगर ये मसलाहतें होती हैं। इमाम ने फरमाया, कौन सी ज़मीन है, कौन सी सरज़मीन है? किसी ने नैनवा बताया, किसी ने गाज़रिया बताया, किसी ने कुछ बताया। इमाम फिर पूछते रहे, नहीं और बताओ और क्या नाम है? किसी ने कहा, आका करबला। इमाम ने फरमाया, यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले हज़रत अमीर उलमोमिनीन सलाम के जुमले से हम आहंग हैं। जंग सफीन पे जाते हुए हज़रत अमीर उलमोमिनीन अलैहिस्सलाम ने करबला से जब गुजर रहे थे तो एकदम रुके और गिरिया फरमाया अमीर उलमोमिनीन। लोगों ने पूछा, क्या बात है?
कहा ये वो जगह है जहां मेरे बच्चे कत्ल हुए। यहाँ खयाम लगेंगे, यहाँ खून बहेगा, यहाँ कब्रें बनेंगी। बिल्कुल इसी अंदाज से इमाम हुसैन को जब मालूम हुआ ये करबला है, जब कहा गया ये करबला, आपने कहा बस काफिला रोक दो, यहीं खेमे लगाओ, यहीं हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं हमारे बच्चे कत्ल किए जाएंगे, यहीं हमारे मज़ार तामीर होंगे, यहीं कब्रें बनेंगी। सवारियाँ बिठाई गईं, बस पता नहीं मैं कई जुमले अदा कर सकूंगा आपके सामने। सवारियाँ बिठाई गईं, महमिल से बीबी ज़ैनब ने ज़मीन करबला पे कदम रखा। जैसे ही कदम रखा, बाज़ रिवायतों में है बीबी गश खा के गई। इमाम अलैहिस्सलाम आए, चेहरे मुबारक पे पानी के छींटे दिए, जनाब ज़ैनब की आँख खुली, कहा भैया यहाँ अजब हॉल उठ रही है, इस गर्द में, इस गुबार में, इस मिट्टी में अजब खुशबू है, दिल उमड़ा आ रहा है। अब मैं क्या अर्ज करूं, उन कलिमात की तर्जुमानी गालिबन यही है जैसे बीबी कह रही हूं, भैया इसमें तुम्हारे लहू की खुशबू। खैमे बर्पा किए गए। बस एक जुमला और अर्ज कर दूँ, खैमे बर्पा किए गए, दुश्मनों ने आकर रुकावट डाली और कहा कि खैमे दरिया के किनारे नहीं। आम रिवायतें ये हैं, आम तौर पे लोग पढ़ के गुजर जाते हैं कि जनाब अब्बास को जला लाने नहीं, जो तारीख में बयान है वहाँ पर जनाब ज़ुहैर क़ैन का जिक्र, जनाब ज़ुहैर क़ैन को जला लाने। उन्होंने कहा हमारे होते हुए यहाँ से खैमे सरकार सैयद शहदा के कौन उठा सकता है, फर्जंद रसूल के खैमे कौन हटा सकता है, आस्तीन उलट ली जनाब। जब ज़ुहैर आस्तीन उलट रहे थे, सरकार सैयद शहदा को ये ख्याल आया कि ज़ुहैर को देख के कहीं अब्बास को जलाना है तो क्या हो। जनाब सैयद शहदा ने जनाब ज़ैनब का सहारा लिया, तो जगह क्या, बहन ज़ैनब अब्बास को बुला लो, कह दो हम जंग की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, खैमे हटा लो। अब मैं एक जुमले पे अक्सर आज की तकरीर ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि सातवीं से पानी बंद हुआ था, बंदिश आपका सिलसिला तो एक लिहाज से दो मुहर्रम से शुरू हो गया, तराई से, दरिया के किनारे से, साहिल से खैमों का हटाया जाना बंदिशे आग की एक तदबीर थी। सात मुहर्रम तो वो तारीख है कि जिस तारीख से खयाम हुसैनी से छोटे छोटे बच्चों की आवाज बुलंद थी, अल आताश अल आताश। कोई कह रहा था बाबा प्यास, कोई कह रहा था चचा प्यास, कोई कह रहा था भैया। परवरदिगार महबूब हमें मकतब हुसैनी का एक सच्चा और अच्छा तालिब इल्म बना, परवरदिगार हमारे सीनों में चराग तौहीद रोशन रहे, महबूद हमारे हाथों में हमेशा दामन ख़त्म नबूवत रहे, परवरदिगार हमारे फ़िक्र की, जहन की, कल्ब की तकहीर फरमा दे, हमारे नफूस का तस्किया फरमा दे, परवरदिगार हमें अपने कौल व अमल में सदाकत शिआर बना, परवरदिगार इंसानियत के दर्द व अलम को दूर फरमा, हज़रत वली आसर को इज़्ज़त ज़ुहूर अता फरमा, और परवरदिगार उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का पसंद है।